प्लीज ये है आयशा और ये जो है मॉल में घूम घूम के थक गई है और अभी फोटो खिंचवाने के मूड में है। तो फूडीज हम घूम रहे हैं GIP मॉल नोएडा में, सेक्टर कौन सा पड़ता है ये? 29 तो उधर था ना, 30 होगा तो 28 मतलब होगा। आयशा के जो ना आइडिया देखो, 29 तो 30 तो होगा ही, 30 नहीं तो 31 होगा। वाह साहब वाह, मतलब अजब गजब लेवल है आयशा का। आयशा हाँ, वो कॉमन सेंस को देखो किस तरह से जो है मतलब खेला जाता है, ये आज ये बता रही हैं। और ये बहुत प्यारी जगह है GIP। हम जो है थोड़ा सा आगे की तरफ चल पड़े हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं और सेकंड फ्लोर के बाद जो थर्ड फ्लोर है वो सारा का सारा फूड कोर्ट एरिया है। तो अभी थर्ड फ्लोर पे चल के कुछ इन्जॉय करते हैं, फूड को देखते हैं, कुछ समझ में आएगा तो ज़रूर हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे। और ये व्लॉग ये व्लॉग जो है ना, आपको पूरी कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और हम जो है ना अभी सेकंड फ्लोर पे हैं, हाँ सेकंड फ्लोर पे घूमते घूमते आ गए हम सेकंड फ्लोर पे। और तो अभी हम हैं थर्ड फ्लोर पे और यहाँ पे ना ये जितने भी हैं फूड कोर्ट्स वगैरह हैं फ्रेंड्स। फ्लोर पे हम अभी GIP मॉल में और यहाँ पे जो है स्ट्रीट फूड करके द फूड स्ट्रीट। और चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अब आ गया हूँ GIP मॉल थर्ड फ्लोर फूड कोर्ट पे और मैं हूँ द पंजाबी। इसमें ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है और पंजाबी रेस्टोरेंट है बार एंड पब है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना यहाँ पे ना एक अभी हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, मेरे साथ है आयशा। आयशा तो मेन्यू चेक कर लेते हैं इसका। तो पूरी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको ना आला काटे तो मिलेगा, साथ में यहाँ पे ना एक्सक्लूसिव एक मेन्यू भी है जो कॉम्बो बीज का है। तो अगर आप यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहते हैं पंजाबीज में तो कर सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है, बहुत कोजी इन्वायरमेंट है यहाँ पे और काफ़ी वाइब्रेंट और लाइट से फुल ऑफ लाइट्स है। तो अगर आपको यहाँ पे आके एंजॉय करना है तो वैल्यू फॉर मनी तो है ही है, साथ में जो है यहाँ पे आपको एक जो है ना कोजी सिटिंग मिलेगी काफ़ी अच्छा सा, सेपरेट अगर आप चाहें तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जो है ना आयशा ने प्लेटर तैयार किया है, ये मेरे में शाही पनीर है, दाल मखनी है और दाल मखनी में देसी घी था जो अभी इसमें सब ऐसे गुस्से गुस्से करके जो है मिक्स कर दिया है। और ये शाही पनीर का था मक्खन वाइट बटर, उसी से टेस्ट आएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके ऊपर जो है ना अजवाइन और धनिया है नान पे। और ये मैंने पनीर लिया है, मैं वाइट में आपको बताता हूँ, देखिए आयशा तो रेडी हो गई है एकदम। और थोड़ा सा हरी चटनी के साथ ना अलग ही टेस्ट आता है, ये देखिए थोड़ी हरी चटनी है ना, अपने वाला टेस्ट आता है, देसी वाला। ये जो प्लेटर था ये 295 रुपीज़ का था, वैल्यू फॉर मनी और टेस्ट जो है ना बहुत ही एकदम कोजी सा एंबिएंस है, वाइब्रेंट और लाइट फुल ऑफ लाइट है। और सिंगल प्लेटर दो लोगों के लिए काफ़ी है, ये चीज़ मैंने देखी। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है भूख नहीं है तो दो लोगों के लिए बहुत काफ़ी है। और ऑथेंटिक पंजाबी एकदम, और अचार के साथ इसको खा के देखना है मेरे को कैसा टेस्ट आता है। शाही पनीर अभी अचार बहुत टेस्टी है। और पूरी में आपको बताऊं ये जो है ना, ये मसाले वाली प्याज और हरी चटनी, ये वाकई बहुत टेस्टी है। मतलब आपको जो है ना अगर ड्रिंक के साथ लेते हैं मतलब समझ जाएंगे तो इसका जो है ना फ्लेवर प्लस प्लस हो जाता है, बहुत ही दाल हमने टेस्ट किया, बहुत क्रीमी और बहुत क्रीमी है, मतलब बता देना टेस्टी बहुत है, मतलब ऑथेंटिक जो है दाल मखनी है और उसमें दम है देसी घी का, दम और देसी घी का फ्लेवर भी आ रहा है, इसमें फ्लेवर आ रहा है तो इसमें देसी घी
ऊपर से जो है ना मतलब पोर किया गया था, डाला गया था। और ये दाल मखनी है, देखिए हरी चटनी और प्याज के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आयशा ना एक पोएट है, इनका भी अपना चैनल है, वहाँ पे जाके आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शेर शायरी सुननी है तो आप सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूंगा। थैंक यू। फूडीज़ हमने द पंजाबीज़ फैमिली रेस्टोरेंट में ना GIP मॉल नोएडा में अभी फूड इंजॉय किया है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ ये कितना अच्छा जो है ना ओपन फूड कोर्ट एरिया है। और यहाँ पे देखिए आयशा जो है मतलब मोबाइल में बिजी है, और मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ। और राइट साइड में ना यहाँ पे देखिए एक बड़ा प्यारा सा ज्वेलरी शॉप है, इसी से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये टॉय शॉप है बच्चों के लिए। और ये अच्छा सा फूड कोर्ट है, काफ़ी एकदम ओपन फूड कोर्ट है। और यहाँ पे ना देखिए कितने अच्छे अच्छे छोटे फूड जॉइंट्स हैं। फूडीज मेरे को ना ये एक बड़ा अच्छा सा जो है ना एक आइसक्रीम पार्लर यहाँ पे नज़र आया है। ये है इनका मेन्यू, और यहाँ पे ना फ्रूट एक्जॉटिका कॉन्सेप्ट आइसक्रीम है। तो यहाँ पे हैं इनके आइसक्रीम पार्लर में मिस्टर दीपक, हाँ ये दीपक हैं, और ये हमारे को बना के खिलाने वाले हैं एक फ्रूट आइसक्रीम। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फ्रोजन टेबल है जिसपे ये आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्रूट्स जो है ना ऐड किए जा रहे हैं आइसक्रीम में, और ये फ्रूट्स भी जो है ना काफ़ी एक प्रीमियम फ्रूट्स हैं। एक तो आपका कीवी है, साथ में आपका मिक्स फ्रूट है, इधर पाइनएप्पल और पपाया, और साथ में चेरी। तो फूडीज़ मेरे को तो ना ये कॉन्सेप्ट आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी हुई है। यहाँ पे ना आप आइसक्रीम्स पे जो है ना अपना कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है आइसक्रीम को फ्लेवर दे के बनवा सकते हैं। और ये देखिए वाह, ये आइसक्रीम बनाने की निंजा टेक्निक है। और ये है वफल, साथ में ये ना स्ट्रॉबेरी स्टिक इस पे लगा करके आइसक्रीम को जो है ना ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप से जो है ना गार्निश किया गया है। साथ में ये है आपका पाइनएप्पल मैंगो सिरप, ये मैंगो सिरप से भी इसको जो है गार्निश किया गया है। पाइनएप्पल सिरप के बाद जो है ना ये ब्लूबेरी, अरे वाह पूरी बहुत ही शानदार जो है ना कलर आ रहा है आइसक्रीम का। और ये सेकंड फ्लेवर ये स्ट्रॉबेरी जैम है, फर्स्ट ब्लूबेरी जैम था। और ये तैयार हो गया हमारा एक्जॉटिका फ्रूट कप पुडिंग। ये थी फ्रूट एक्जॉटिका कॉन्सेप्ट आइसक्रीम। और ये देखिए कितना शानदार कप है, और ये जो है ये स्ट्रॉबेरी स्टिक, ये मज़ेदार मतलब ऊपर ऊपर उससे भी ऊपर बड़ा मज़ेदार है भाई। मतलब सर्दियों में जो है ना स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐसे खाना, वो भी इतने सारे जो है फ्लेवर्स के साथ ऐड करके, ओ हो 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 मज़ा ही आ गया है। जो ड्रैगन फ्रूट और जो कीवी है उसको अलग ही एकदम एकदम पिंची टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार। और साथ में ये जो इसमें पाइनएप्पल और ये जो ब्लूबेरी जैम का जो कॉम्बिनेशन है, ओए होए 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 मज़ेदार। मतलब सर्दियों में जो है ना और ठंडक पका रही है दिल को, बहुत शानदार आइसक्रीम है ये। और इसमें पाइनएप्पल के चंक्स भी हैं, मतलब ओवरऑल सारे ही अच्छे जो प्रीमियम फ्रूट्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। और फूडीज काफ़ी क्रीमी भी है ये आइसक्रीम खाने में, फैबुलस, बहुत ही नेचुरल फ्लेवर आ रहा है फ्रूट का। और मेरा जो है टंग जो है थोड़ी स्लिप हो रही है डरा रहा क्योंकि अभी जो है नम हो रही है, और खाने में जो है बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ये डेस्टिनेशन जो है फूड डेस्टिनेशन ये पार्लर फ्रोजन जोन आना तो बनता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक ज़रूर करना, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ऐसे मौसम में आइसक्रीम ऑलरेडी बहुत टेस्टी लगती है, और ऊपर से इसमें जो फ्रूट्स का टेस्ट आ रहा है बहुत ही ऑसम है। तो रिव्यू तो आपने सुन लिया होगा। तो पुलिस ये था हमारा आज का ब्लॉग, और मतलब काफ़ी घूम रही है, काफ़ी घूम रही है, काफ़ी घूम रही है, और हमने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी प्लेसेस देखी हैं। और हमारी वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है यहाँ पर GIP मॉल में हॉन्टेड हाउस, और हॉन्टेड हाउस के बाहर जाना, ये देखिए मैडम यहाँ पे जाना हंस भी रही है और साथ में कुल्फी भी खा रही है। ये देखिए, हाँ देखिए आपको पता चल गया होगा मतलब कितना नेचुरल हंसी है इनकी। वो मेरी नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। और ये लास्ट मेरी आज की पान वाली कुल्फी, जो कि राहुल के दांत ठंडे हो चुके हैं तो उसने नहीं, मैं नहीं खाने वाला हूँ, बट ये भी अच्छी है, वही आसपास मिल जाएगी आपको जहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई थी। हाँ। से थोड़ा पहले स्टॉल है तो 50 rupees की है, जस्ट 50 rupees की है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, फ्लेवरफुल है, मतलब पान का फ्लेवर आ रहा है तो अच्छा ही होगा। तो पूरी ये था आज का हमारा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो जरूर लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फूडीज अब हम आ गए हैं बाहर GIP मॉल के बाहर, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे जो है ना फूड कार्ट्स और जो है छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे आप जो है कुछ परचेज वगैरह कर सकते हैं। और आज का जो है ये व्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया, लंबा हो गया थोड़ा,